हेलो मम्मीज़, हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, छोटे बच्चे जो कि अभी अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते हैं उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतने सीवियर नेक रेसेस हो जाते हैं कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरीके से इतने घाव हो जाते हैं जैसे किसी ने उसको काट दिया हो या किसी ने रगड़ दिया हो। ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब बच्चा अपनी गर्दन को संभाल नहीं पाता और गर्दन बच्चे की इस तरीके से चिपकी हुई रहती है। तो आपको कुछ ध्यान रखना है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। इस समय आपके बच्चे को बहुत स्वेटिंग भी आएगा, बहुत पसीना आएगा, चिपचिपा रहेगा। तो कम से कम दिन में 3-4 बार आपको अपने बच्चे की गर्दन को सुखाना है साफ पानी से, हल्के गुनगुने पानी से उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाते समय भी कुछ दूध बच्चे का मुंह से टपककर गर्दन तक आ जाता है। तो दूध पिलाने के बाद उसको सुखाएं, कुछ हवा लगने दें, ड्राई रहने दें बच्चे को, और गले में कुछ भी काला धागा या कुछ इस तरीके की चीज़ें ना पहनाएं क्योंकि वो भी बच्चे को हार्म कर सकती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे के गले पे बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए, रेड रैशेज हो गए, तो इन बातों को ध्यान रखिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए और वो एरिया आपको सूखा रहने देना है बच्चे का, ठीक है? तो बच्चे के नेक रैशेज नहीं होंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।